बार की तरह यहाँ पे फिर से कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है। आज हम आ गए हैं मशीनरी हब पे। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए। क्या हालचाल सर, कैसे हो? बढ़िया भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो दिनेश जी, आज क्या नया कॉन्सेप्ट लेके आए हो फूड कार्ट के अंदर? भैया जैसे कि आपने बता दिया, हमेशा की तरह यूनिक लेके आते हैं जी। फूड कार्ट की सीरीज हम चला रहे हैं जी। इसमें क्या है भैया, जैसे जैसे क्लाइंट जो जो चीज हमसे डिमांड करते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग क्या फूड कार्ट रेडी करके देते हैं। बिल्कुल, आप देख ही रहे होंगे हमने जो फूड कार्ट रेडी किए आज कुछ अलग ही किए हैं। मतलब फूड कार्ट फैक्ट्री में आपको फैक्ट्री प्राइस पे, और जैसे ये कार्ट का देख रहा हूँ बहुत शानदार बनाया है। बिल्कुल भैया, ये सबसे अभी तक अगर आपने देखा भी नहीं होगा, ये यूनिक कार्ट है। प्रॉपर ये जो कार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तो ये स्टील में है। ओके, आप फिनिशिंग देख लीजिए हमारे प्रॉपर। प्लस इसमें क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये डिजाइन है, ये लोअर का इसका बोला जाता है, आपका एसीपी में जो होता है प्रॉपर डिजाइन बनाया गया है। और इनका ब्रांड नेम जो है, ब्रांड नेम भी देख सकते हैं लेटर में। बिल्कुल, लेटर में लिखा गया द एग फैक्ट्री है। ये आशीष भाई है, अपने गुड़गांव के हैं आशीष सर है। तो उनके लिए ये कार्ट रेडी हुआ है अभी। इसमें कुछ अभी थोड़ा बहुत काम पेंडिंग भी है थोड़ा बहुत अभी, तो बाकी अभी देखेंगे आप ये कार्ट वाला कार्ट देखेंगे। ये चीफी फीड के नाम से ये कार्ड जो है मैम का है, नागपुर में ये कार्ड हमारा जा रहा है जी। अगर इस कार्ड में थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलेगा तो भैया क्या चीजें की देगा आप? एक तो ये छोटा कार्ड है, छोटे कार्ड के साथ ना कुछ यूनिक किया गया। जैसे आप ये वाली फोकस के लिए लाइट हमने लगा दी है जी, प्लस जैसे ये वाली लाइट। अच्छा, इसके अंदर डेकोरेशन बहुत शानदार करा गया, डेकोरेटिव लाइट है, सिंपल कार्ड बनाया है। साथ में जैसे अगर उनको जैसे प्रोडक्ट अपना रखने के लिए, शो करने के लिए यहाँ पे हमने उनको ये शीट लगा के दे दी है, टेबल बना के दे दी है। बाकी अगर इसके पीछे का भी दिखाऊंगा मैं आपको, पीछे में हमने क्या है इसका एक तंदूर लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ, हमने क्या है ये स्लाइडर, एक इसमें तंदूर लगाया है, घुमा के भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप ये देखेंगे ये वो छोटा कार्ड है, जैसे येलो कलर में डायगर चाय का कार्ड है। ऐसा आप देखेंगे ये वाला कार्ड देख सकते हैं, डबल फोल्डेबल में इनका क्या जो पल्ला है, डबल फोल्डिंग करके दिया है, सोकर के साथ दिया है। अरे वाह, और आगे भी कार्ड है। मतलब अगर आप ये देखेंगे ये ई रिक्शा में है, क्या बात है, ई रिक्शा में अभी स्टार्टअप कर रहे हैं अभी, मतलब आपका ये अभी बनना स्टार्ट ही हुआ है। तो कहने का मतलब अभी हमेशा की तरह कुछ यूनिक ही लेके आए हैं, यूनिक यूनिक डिजाइन है। और जैसे क्लाइंट हमें ऑर्डर करते हैं, जो चीज उनकी एक्सपेक्टेशन जो रहती है, जो वो मांगते हैं हमसे, हम उनको फुलफिल करके देते हैं, ताकि उनका जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो करे। बिल्कुल जी। और आपको एक चीज बताना, अगर आपका फूड बिजनेस है, उसमें कुछ नया करने जा चाह रहे हो, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो फूड के अंदर, तो मैं कहूंगा एक बार इनसे जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। सारा का ज्यादा जो डील करते हैं फूड कार्ट के अंदर डील करते हैं, अलग अलग डिजाइन है। काफी लोग डिमांड करते हैं बाइक का कार्ट के, स्कूटी का कार्ट के, इवन द आपने बताया कि महिलाओं में काफी डिमांड आ रही है हमें हमारी स्कूटी के साथ अटैच करने वाली। आजकल क्या ना भैया, थोड़ा सा रोजगार की आप जानते हैं जी जी, रोजगार आजकल प्रॉब्लम काफी चल रही है रोजगार में। लेकिन क्या है कि स्टार्टअप अगर कोई भी करना चाहता, कोई लेडीज हो या जेंट्स हो जिनके काम नहीं चल रहे, तो आजकल अगर कम पैसे से भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम फूड कार्ट रेडी करके देते हैं जी। मात्र 20,000 रुपए में हमारे पास काउंटर स्टार्ट होते हैं, 20,000 से लेकर 35,000 तक के हमारे काउंटर हो जाते हैं स्टार्ट जी। उसके बाद 35,000 से स्टार्ट होके साइज के अकॉर्डिंग कार्ड बनता है, क्या क्या उनको अंदर चाहिए, क्या बर्नर चाहिए, डीप फ्रायर चाहिए, किस टाइप में चाहिए, स्टील में चाहिए, लोहे में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर प्राइस इंक्रीज। इसके अंदर अभी क्या क्या लगा के दे रहे हैं, जैसे अगर हम इससे बात करें तो इसमें क्या क्या लगा के दे रहे हैं भैया? अगर जैसे ये क्लाइंट का जो कार्ड है, अभिषेक भैया कार्ड है सालेमर बाग से, ये कार्ड है उनका जो काम रहेगा, उनका प्रॉपर क्या है आपका रोस्टेड का काम रहेगा और चिकन वगैरह का उनका काम रहेगा। तो अभी इसमें क्या है, तंदूर वगैरह लगा के देना है और साथ में बर्नर एक सेट करके देना है, जो कि आराम से वो अपना काम कर सके। अच्छा, तंदूर भी है, बर्नर भी है, प्लस किसी को फ्रीजर लगवाना है, फ्रीजर वाला आइसक्रीम पार्लर। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं स्टील वाला कार्ड जी, स्टील वाले कार्ट में आपको जैसे मैंने बताया डिजाइन भी यूनिक है, वुडन एसीपी में लगाया है। प्लस इसमें क्या है, इनका एग फैक्ट्री है, एग फैक्ट्री से समझ ही गए होंगे, इनका जो काम रहेगा प्रॉपर एग से रिलेटेड रहेगा। और एग भी जो लोग यूज करेंगे प्रॉपर कंपनी का एग यूज करने वाले हैं, हाई लेवल का उनको बिजनेस अभी ब्रांड बनाना है ये, तो उन्होंने स्टार्ट किया। बाकी ये है मैम का, इनका जो काम है ये लिट्टी चोखा जो होता है। अच्छा, बिहार वगैरह में क्या है, ये कहाँ जा रहा है सर कहाँ? ये नागपुर जा रहा है, यूनिक लेके जा रहे हैं, वो बिहार का प्रोडक्ट अपने नागपुर वगैरह में लेके जा रहे हैं। बाकी ये वाला भी है, ये मोमोज वगैरह के कार्ड है, बाकी भी पीछे खड़े हुए अलग अलग कार्ड है, ये अभी रेडी हो रहा है, चाइनीज के कार्ड रेडी कर रहे हैं। बिल्कुल,
और बाकी ये चीज है आप देख ही रहे हैं, अलग उसके पीछे भी खड़ा हुआ ये। अच्छा, सारे यूटेंसिल्स हैं जो भी बर्तन है जो डिपार्टमेंट है बना के आप दोगे सारे? बिल्कुल, कस्टमर की रिक्वायरमेंट। ये देख लीजिए जैसे जो बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, ये जैसे डीप फ्रायर के लिए रखा गया, अभी क्या है ये सेटल होने हैं। तो जो जो क्लाइंट को हमसे चाहिए, कंटेनर चाहिए, डीप फ्रायर चाहिए, तंदूर चाहिए, जो जो आइटम उनको डीप फ्रीजर चाहिए, या उनको मान के चलो कोई सूरमा मशीन वगैरह लगवानी है, ग्रिलर लगवाना, हर टाइप का काम। कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करके दोगे। सर आपकी लोकेशन क्या होती है, एक बार कोई आना चाहता है कैसे कैसे विजिट कर सकते हैं? भैया हमारी लोकेशन जो है दिल्ली में है, दिल्ली में नवादा मेट्रो स्टेशन लगता है, ठीक है। नवादा मेट्रो स्टेशन से जैसे ही गेट नंबर 3 से नीचे उतरते हुआ जस्ट थोड़ा सा चलते ही, जस्ट बिल्कुल एक मिनट चलते ही रिक्शा लेना, रिक्शा मिल जाता है और नीचे से ही मिलता है, मेट्रो के जस्ट नीचे से ही रिक्शा मिल जाता है। डायरेक्ट बोलोगे ओल्ड अचार फैक्ट्री, डायरेक्ट हमारी फैक्ट्री पे आप पटियाला गांव, पटियाला बिल्कुल। तो आप अपनी च्वाइस के अकॉर्डिंग कम रेट में लेना चाहते हैं कम रेट में जा सकते हैं, ज्यादा रेट में जाना चाहते हैं ज्यादा। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर देते हैं? ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है भैया, और इंडिया से बाहर भी लेके जाना है तो वो भी हम प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह करवा के प्रॉपर कार्ड हम तो इसमें और भी कलर ऑप्शन होंगे, बहुत ऑप्शन होते किसी भी किसी भी कलर का कार्ड कस्टमाइज हमसे करवा सकते हैं जी। ये ACP होती है, इसमें अगर आपको मेट्रो शीट वगैरह नीचे मेट्रो शीट में मिल जाता है कोई भी कलर। साथ में अगर अगर हम कार्ड की वैरायटी की बात करें, जो हमारे जो ये हो गए हैं आपका, जैसे ये मूवेबल कार्ड है, दो स्मॉल दो बड़े व्हील है, चारों बड़े ले सकते हो, एलॉय व्हील ले सकते हो, बाइक अटैचमेंट ले सकते हो, ठीक है। आप कोई रिक्शा में ले सकते हो, बाइक के साथ अटैचमेंट वाला, बाइक के साथ भी अटैचमेंट वाले कार्ड होते हैं, उस कार्ड भी होता है। अगर बाइक के साथ प्रॉपर जैसे बुलेट के साथ चलाना और आजकल चल रहा कार्ड छोटा कार्ड जो होता है वो लेना, वो ले लेते हैं, ई रिक्शा में बनवा, ई रिक्शा में बनवा सकते हैं। और जैसे आपको प्रॉपर छोटा काउंटर टाइप का बनाना, हम वो भी प्रोवाइड आपको करवाएंगे भैया। बिल्कुल। अच्छा इसमें सर जैसे आप बता रहे, इसमें ग्रिलर वो लगा के दे रहे हो, मैं कहते हैं कोस्टर जो भी, मैं इस कार्ड में जो है ना आपको तंदूर लगा के दे रहा हूँ, स्लाइडर तंदूर जो होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जी जी, थोड़ा सा हमें यहाँ से निकल के मिल रहेगा, आगे क्या आइए ये चीज दिखा देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ जा रहा है आपका, ये स्लाइडर है। अरे वाह, स्लाइडर तंदूर है, आराम से यहाँ खड़े होके काम। एक मैडम का यहाँ पे बर्नर जाना है, ये आपका उनका काम रहेगा, प्रॉपर सेकते रहेंगे और अपना यहाँ पे सर्व करते रहेंगे, प्रॉपर उनका वो बना के बहुत। बाकी अलग अलग है सारे के सारे कार्ड, बहुत सारे कार्ड के ऑप्शन है। आप लोग आइए, अपनी जो डिमांड है एक बार बैठ के बात करिए, नहीं तो आप ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल है मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग। ये मैम है जैसे नागपुर वाली मैम, श्वेता मैम है, हाँ जी, इन ये कोई विजिट नहीं किया इन्होंने भैया, हमारी वीडियो ही देखी, वीडियो देखने के बाद उन्होंने हम पे इतना फेथ किया, विश्वास किया है, तो हम भी उनके भरोसे पे पूरे कायम उतरेंगे और उतरे हैं। कार्ड प्रॉपर आपके सामने है भैया, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कार्ड जा रहा है, और मैम ने भी, मैम को भी हमने वीडियो कॉल वगैरह करके दिखा तो उनको भी काफी अच्छा कार्ड लगा। बाकी उनके उन्होंने बोला पहुंच जाएगा तो और पता लगेगा। बाकी हर किसी क्लाइंट को हम क्या करते हैं, ऑर्डर लेने के बाद जैसे ही हम टाइम देते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम उनको बुलाते हैं, बुलाने के बाद कुछ भी कार्ड में कमी यहाँ पे नजर आते हैं हम फुलफिल करके देते हैं, A to Z चीज कुछ भी कमी है हम यहाँ पे ओके करके उनका कार्ड रेडी। बिल्कुल। बाकी दोस्तों बस यही कहूँगा, ज्यादा जानकारी के लिए एक बार इनके टीम से कॉन्टेक्ट करिए, नंबर्स मैंने स्क्रीन पे दिया है, बाकी गूगल मैप में मशीनरी हब सर्च भी आप लोग कर सकते हैं। मशीनरी आप सर्च करोगे डायरेक्ट आप लोकेशन में पहुंच जाओगे। अगर आप पर्सनल साधन से लेन आना चाहे, बस से आना चाहे, या बस डायरेक्ट आपको बाहर रोड पे छोड़ेगी, वहां से ई रिक्शा डायरेक्ट आती है, पर्सनल व्हीकल गाड़ी कार बिल्कुल ऑफिस के सामने आएगी, मेट्रो डायरेक्ट है मेट्रो से आ सकते हैं। कैसे भी आप विजिट करना चाहे डायरेक्टली, आप पटियाला विलेज में हमारा नवादा मेट्रो स्टेशन डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। चलो सर, थैंक यू बिल्कुल अपना अपना टाइम देने के लिए। और व्यूअर्स आप लोग भी एक बार कमेंट कर देना आप वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हो। बिल्कुल भैया, थैंक यू।